disturb you when I'm talking. अरे हम तो गरीब हैं, गरीब किसी को क्या दे सकता है। सो गाइस, इंस्टाग्राम रील्स में इस तरह की वीडियो काफी वायरल हो रही थी। आप इस तरह की वीडियो सिर्फ और सिर्फ एक क्लिक में बना सकते हैं, वो भी बहुत ही आसानी से। तो चलिए दोस्तों, वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो गाइस, तो आ गए अपने की स्क्रीन में। इस तरह की वीडियो बनाने के लिए आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड पड़ेगा, उस एप्लीकेशन नाम है दोस्तों वी एंड वीडियो एडिटर। ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगी। तो सिंपली आपको प्ले स्टोर में जाना है और वहां से आपको इस एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड कर लेंगे, फिर अपन इस एप्लीकेशन को करेंगे ओपन। ओपन कर लेंगे, यहाँ से आपको स्किप कर देना है, प्लस लाइकन में क्लिक करके न्यू प्रोजेक्ट पे आ जाना है। अब यहाँ से आपको एक वीडियो को सिलेक्ट करना आएगा जिसमें आपको वीडियो की क्लिप्स थोड़ी सी लगेगी। तो उस वीडियो को मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देगा और टेलीग्राम चैनल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिंपली आपको इस लिंक में क्लिक करके चैनल को करना है ज्वाइन और वहाँ से आपको इस वीडियो क्लिप को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड कर लेंगे, यहाँ से आपको इस वीडियो करना सिलेक्ट। सिलेक्ट कर लेंगे, नीचे आपको ब्लू कलर का टेकल ऑप्शन दिखेगा, उसमें क्लिक कर देना है। क्लिक कर देंगे, यहाँ से आपकी वीडियो आपके एप्लीकेशन में ओपन हो जाएगी। फिर यहाँ से आपको ऊपर क्लिक करना है ओरिजिनल में, यहाँ से आपको 9:16 जो रील्स का साइज होता है उसको यहाँ से कर लेंगे सिलेक्ट। सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद यहाँ से आपको आगे आना तो आपको मिलेगा ब्लैक कलर का वाटरमार्क, उसको अपन यहाँ से कर लेंगे डिलीट। डिलीट करेंगे, फिर उसके बाद अपन को अपने वीडियो का साउंड अलग कर लेना है। कैसे अलग करेंगे, अपन को अपने वीडियो में करना है टैप इस तरीके से। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा एक्सट्रैक्ट ऑडियो, आपको इसमें क्लिक कर देना है। कर देंगे तो आपकी वीडियो का साउंड यहाँ से अलग हो जाएगा, ठीक है। ये इसके बाद अपन क्या करना है, जहाँ तक जो वीडियो रहेगी ना उसको अपन को स्प्लिट कर देना है यहाँ से, ठीक है। यहाँ से अपन को आगे आना है इस तरीके से। जैसे ही वीडियो आएगी ना तो अपन को स्प्लिट का ऑप्शन दिखेगा, कैची वाला आएगा, तो उसमें अपन क्लिक कर देना है। तो आपकी वीडियो को दो पार्ट बन जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो फर्स्ट वाला पार्ट रहेगा ना उसमें आपको अपनी या फिर कोई वीडियो लगा देना, या पर आपकी कोई फोटो तो फोटो भी लगा सकते, ठीक है। तो मैं आपको फोटो लगा के बताता हूँ। तो आपको इसमें क्लिक करना है, सिंपली रिप्लेस का ऑप्शन में आ जाना है इस तरीके से। फोटो वाला ऑप्शन में ऑल में क्लिक करना है। अब जिस भी फोटो में आपकी फोटो होगी वहाँ पर चलना चलाएंगे। यहाँ आने के बाद आपको अपनी कोई भी फोटो को सिलेक्ट कर लेना है इस तरीके से। सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ से आपको क्रॉप पे आके एक बार 9:16 में फिर से क्लिक कर देना, ठीक है। और टैग पे क्लिक कर देंगे। ये करने के बाद अपन को इसमें अच्छे से लिखना है, ठीक है। तो आपको टैग्स वाले ऑप्शन में आ जाना है, टाइटल में आ जाएंगे इस तरीके से। कीबोर्ड वाले ऑप्शन में आके यहाँ पर मैंने सिंपली से पहले से लिख के रखा है, मैं पेस्ट कर देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। तो आपको वैसे अच्छे से यहाँ पर राइटिंग चूज कर लेना है जैसे कि मैं कर रहा हूँ, ठीक है। और आपको लिखना क्या है उसका भी यहाँ से स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो आपको लिखना है, सिस्टर भाई तू मुझे रक्षाबंधन में क्या गिफ्ट देगा, ये लिख के आपको, ठीक है, छोड़ देगा। अच्छे से यहाँ पर राइटिंग आपको चूज कर लेना अपने हिसाब से और टिक पे क्लिक कर देना है। ये करने के बाद जहाँ तक आपकी फोटो रहेगी तो वहाँ तक आपको अपने टाइटल लिख रहे देना है इस तरीके से, ठीक है। यहाँ तक लिखा रहेगा। ये करने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आपने ये लिख दिया उसके बाद आपको प्लस का आइकन बीच में दिखता है, उसमें आपको क्लिक कर देना, जूम वाले में क्लिक कर देना और टिक पे क्लिक कर देना, ताकि जो आपकी वीडियो चालू होगी ना अमिताभ बच्चन वाली हम तो गरीब है, तो उसमें एक अच्छा दोस्तों ये देख सकते हैं। तो आपने ये लिख दिएगा तो आप भी इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए और आप अपनी वीडियो में सेम टू सेम ऐसे लिख देना, तो आपकी वीडियो बहुत आसानी से बन जाएगी, ठीक है। तो मैं बताता हूँ आपको वीडियो को एक्सपोर्ट कैसे करना है। आप ऊपर एरो में क्लिक कर देना इस तरीके से, यहाँ से आपको एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देने का, यहाँ से वीडियो एक्सपोर्ट होना चालू हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो में एक लाइक कर दीजिएगा, लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही।